नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो पे कौन को ऑनलाइन मैं शॉपिंग करी थी, परचेज करा है, कौन सीड्स और कॉम्बो मंगवाई थी मैं, सीड्स और वेजीज का, सॉरी फ्लावर्स और वेजीज का, जो फ्लावर मैं सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ। कुछ फ्लावर्स तो लगभग ठीक ही है, पर वेजीज जो जो पिक्स दिखाए थे वो आया नहीं है। उससे मैं कंप्लेन भी करी पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया, जाने दो। पर इस बार मैं सीड्स फ्लावर्स के कैसे ग्रो करेंगे उसका मैं थोड़ा आपको टिप्स दूंगी। ये देखिए कौन कौन सा फ्लावर्स अभी है, सारे मैं पिक्स में नाम तो एक बार पूरा वीडियो पे नहीं ले सकती, पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे जेनिया, गजनिया और पेटूनिया, पैंसी, सारे सीड्स हैं। अभी मैं उसी को ग्रो करने का तरीका बताऊंगी आपको कि कैसे करेंगे, कौन सा सॉइल, कैसे सॉइल बनाएंगे उसके लिए। तो पहले सीड्स आप देख लें, बस अब सॉइल की बाड़ी, कौन सा सॉइल, गार्डन सॉइल, ये भेजीज का भी सीड्स है, कुछ कुछ है। मैं क्लोज कर आपको नाम दिखा रही हूँ, दिखने से ज़्यादातर अच्छा है कि क्लोज कर मैं दिखा दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कौन कौन सा सीड्स है ऐसे वेजीज का। ज़्यादा किचन गार्डनिंग और टेरेस गार्डनिंग जो भी के लिए काफ़ी है। बीट रूट है, क्लस्टर बीन्स है, और कम से थोड़ा ज़्यादा मटेरियल देना चाहिए था पर कम ही दिया है उन्होंने। ये लॉन्ग ब्रिंजल का है, बीटरूट है, और इसका नाम नहीं दिया, पता नहीं क्या का सीड्स है ये, भेजीज होगा तब पता चलेगा। ये बोकला होगा, बीटरूट। बस अब सॉइल बनाती हूँ मैं, सॉइल गार्डन सॉइल। इस बार जो मैं लेके आई गार्डन सॉइल, काफ़ी मुझे फर्टिलाइज़र वाली सॉइल सॉइल मिला। इसमें सारे चीज़ें, लकड़ी वगैरह सारे सूखे पड़े थे, सही बहुत ही मेरे लिए ये बहुत ही कीमती सॉइल है मैम। तब ये गार्डन सॉइल में काफ़ी मटेरियल्स हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में इसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है फर्टिलाइज़र। फिर भी मैं थोड़ा डालूँगी क्योंकि गार्डन से लाई हूँ हल्दी और काली मिर्च का मैं कूट कर रखी हुई थी उसको, और ये काउडंग का है मैन्यूअर खाद, थोड़ा सा 2-3 चम्मच ये मिला दूँगी बस। अभी ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स कर आपके पास जो भी है, जैसे आप प्लांट खरीदते हो तो वो ब्लैक वाला जो पॉलीथीन होता है या कोई भी ग्रो बैग छोटा सा, उसे मैं फेंकती नहीं हूँ, उसे ही रखती हूँ। उसी में मैं आज आपको किस तरह, और ये जो खाना वगैरह जो मंगवाते हैं उसका डब्बा है ये, इसको हम किस तरह लगाएंगे। बस इसको हम कम से कम हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, और ये देखिए ग्रो बैग जो है छोटा सा, उसी में भर कर सारे रख देंगे। पहले थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर देंगे ताकि सॉइल है जो थोड़ा ठोस हो जाए, स्थिर हो जाए। फिर 5-10 मिनट बाद इसके सीड्स, पहले मैं एक एक कर आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये पैंसी का है, काफ़ी छोटा छोटा होता है पैंसी का, और ये नहीं ये विनका नहीं, विनका है मतलब अभी नहीं डालूँगी मैं विनका को। और ये है शायद साल्विया, हाँ साल्विया का सीड्स है। दोनों को मैं डाल दे रही हूँ,
बस काफ़ी आसानी से हो जाना चाहिए। मैं फर्स्ट बार सीड्स से ग्रो कर रही हूँ फ्लावर्स प्लांट्स, और रिजल्ट तो मैं आपको अपडेट करते रहूँगी। बस इसको डालकर अब मैं थोड़ा, अब धूप तो ज़्यादा कड़क होता नहीं है तो टेरेस पे ही रख दूँगी इसको। धूप अभी गुलाबी धूप है तो टेरेस में ग्रोइंग सारे धूप के लिए, मतलब ये उतनी भी थोड़ी गर्माहट भी चाहिए और ठंडक भी चाहिए, इसलिए अभी मौसम बहुत अच्छा है। और सारे जो फ्लावर्स प्लांट्स हैं सारे विंटर सीजन के ही हैं, इसलिए मैं सारा डाल दे रही हूँ अभी, और आपको अपडेट दिखाते रहूँगी जैसे जैसे होगा। उम्मीद है इस बार फ्लावरिंग अच्छा से हो। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों, आपको ये वीडियो से कुछ सजेशन अच्छा और अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, अपडेट वाली वीडियो बनाने वाली हूँ मैं जल्दी, और हमारे साथ कनेक्ट रहिए हमेशा, दिखते ओके जुड़े रहिए। I'm really in love with you when I'm